ए चल बे हट निकल यहाँ से उठ ए चल बे पैसे निकाल नहीं भैया वो अरे पैसा निकालता क्या नहीं चल निकल जब जब काट डालूंगा बता रहा हूँ ले ए पैसे निकाल बे चल जल्दी कर जल्दी आ क्या मुझे देख के पैसे छुपा रहा नहीं भैया वो ज्यादा बोलेगा तुम ये ले ए ध्यान से सुनो सब लोग मलिक पेट के मनी कायम से कोई पंगा मत लेना साले काट डालूंगा ए तू क्या रे इधर क्या देख रहा नाटक हो रहा है पागल काट डालूंगा बता रहा हूँ ए जल्दी काम कर रहे नमस्ते भाई नमस्ते हैदराबाद सिकंदराबाद गाजियाबाद अंबाला चोरी बराबर होना चाहिए 1 करोड़ का लाभ हुआ है माल जितना भी हो सप्लाई मैं करूंगा पुलिस वालों को मैं देख लूंगा हैंड्स अप इन्हें तो गोली मार दूंगा ए गन नीचे कर चल निकल इधर से ए इस लाश को ले जाकर पोई नदी में फेंक डाल अपने एरिया में आने वाला पुलिस जिंदा नहीं जा सकता है अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग अरे पूरी सिटी के अंदर हमको तेरा घर पसंद आया समझ में आया छोड़ दीजिए पूरे शहर में अपना राज होना चाहिए चल सामान बांट फेंक चल निकल तू यहाँ से अरे भाग यहाँ से इन दोनों को यहाँ पर कभी मत आने देना चलो अंदर यहाँ दिखाई दे तो हाथ पर काट देना समझ गए हो ना हाँ किसी को मत छोड़ना जात वेद से सुनवा मसो मम रातीय तो निदहाति वेदः तन पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिंधुं दुरिताच्चग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दृष्टाम् साहब इस साल आपका भविष्य मुझे देख रहे हो बर्बाद हो जाऊंगा क्या वैसा नहीं इतने सालों तक राजधानी एक्सप्रेस की तरह जाने वाली आपका भविष्य इस साल कहीं की पटरी फिसलने वाली जैसे लग रही है वह हादसा मिलना चाहिए तो लेट करें बगैर किसी जीव का गला काटना चाहिए वह चाहे मुर्गी हो या फिर बकरी हो या फिर आदमी भी हो सकता है लेट करना वेट करना इस शहजादे का आदत नहीं है रे समाज में गुंडागर्दी चलाते हुए जनता की जान से खेलते हुए खून खराबा करते हुए पुलिस वालों को फिक्र किए बगैर पूरे शहर को दहलाकर ऐसा करने वाले गुंडों का अंत नहीं है क्या रिएक्शन क्या करूं बोलो ना अगर किसी लड़के से शादी हुई होती तो उससे ही मालिश करवाती प्यार से मालिश करता ना रुक रुक समझ में आ गया मुझे भी सेम फीलिंग है मुझे वर्कअप मिलेगा जो मेरा गाल पकड़ेगा मुझे भी रात भर नींद नहीं आती तेरी जो हालत देख रही हूँ ना आने वालों को छोड़ेगी नहीं आने वाले के बारे में बाद में सोच लेना तो पहले मेरी कमर रगड़ लक्ष्मी तेरा भरा हुआ बदन देखकर तो कोई भी तेरा दीवाना हो जाएगा सच कहती हूँ मैं तुझे तो
कर रही हो, ऐसे उछल कूद क्यों कर रही हो? मस्ती मत करो, अगर शादी हो गई होती तो अब तक 4 बच्चे होते तुम्हारे। क्या मुसीबत है? चुप कर, उल्टा जवाब नहीं देते। शादी नहीं हुई इसकी कोई शर्म ही नहीं है तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से। ओ तुम लोग क्या देख रहे हो यहाँ के फाड़ फाड़ के? कभी लड़की नहीं देखी? बस लड़की दिखाई दे ही नहीं की, आगे नाचते नाचते देखने के लिए। चल भागो भागो यहाँ से। घर में माँ बहने नहीं है क्या? कुछ काम धंधा नहीं है, बेकार में यहाँ आके लड़कियों को देखते रहते। इनका दिमाग तो ठिकाने होना चाहिए। जो भी रिश्ते आते बस इनको इनकार कर देती है। इनका बाप मरते वक्त मुझे सौंप के गया था। चले, अपनी किस्मत तो चमक गई। मेरे मरने से पहले इनकी शादी होगी कि नहीं पता। हे माँ वैष्णो देवी, शेर वाली लक्ष्मी माँ काली माता, तू यही विराजमान है। अरे चलो निकलो यहाँ से, कोई भीख मांगने नहीं मिलेगी। मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ माँ। इस घर में अब सुख की घंटियाँ बजने वाली है। इस घर में दरिद्रता, बुराई, बुरी नजर सब यहाँ से हटके चली जाएंगी। तू अपनी आँखों से अपने पोतियों की शादी देखने वाली है। माँ अब से तेरा भविष्य भी बदल जाएगा। हाँ माँ जी, बैठेंगे बैठेंगे। तुम्हारे पास अच्छे रिश्ते हैं ना? राम लक्ष्मण की तरह 2 लड़के हैं। मैं उन दोनों के फोटो भी लेकर आया हूँ। अरे शशिकला, लक्ष्मीकला, इधर आओ जल्दी जल्दी आओ, तुम्हारे लिए रिश्ते आए हैं। तुम हमारे लिए रिश्ता लाए हो क्या? सबको यही डाउट है कि मैं तुम जैसे हसीन लड़कियों के लिए रिश्ता लाता हूँ। फोटो लाए हैं क्या? हाँ बेटी, ये चले जल्दी से फोटो दे इधर, ये लो देख लो और सेलेक्ट कर लो। दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना? दोनों एक जैसे हैं, जुड़वा है ना, एकदम दिल वाले हैं। हेलो ब्रदर हैं वो दोनों। अगर एक गुड़ है तो दूसरा मक्खी है। उन्हें देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और तुम्हारे दिल में लड्डू फूटना चाहिए और तुम्हारी यादों में बस जाना चाहिए। तुम्हारे गाल लाल हो जाना चाहिए, तुम्हारी सांसें तेज हो जाना चाहिए, समुद्र के पास चलना चाहिए और तुम्हारे पैर को नाव चलाना चाहिए। तुम्हें बिना सोए ही सपने देखना शुरू कर देना चाहिए। लगता है मेरी पोतियों को लड़के पसंद आ गए। अच्छे परिवार से है ना? एकदम सोने जैसा परिवार है माँ जी। और उनके माता पिता कैसे हैं? वो लोग ऐसे वैसे नहीं है माँ जी, एकदम पार्वती शंकर की तरह हैं। उन्हें देखने के लिए हमारी दुआ के पर्याप्त नहीं है माँ जी। हाँ ए, रोक ले तेरा भाषण। उन बूढ़े बुढ़ियों से हमें क्या बताना है, तो हमारे पति के बारे में बताओ। तुम्हारे होने वाले पति के बारे में बताऊं? बस इतना जान लो, वो दोनों एक जान और 2 शरीर में बटे हैं। वो दोनों एक साथ खाते पीते हैं। उन दोनों की एक ही बात है, एक ही खेल है, एक ही चाल है, एक ही हाल है। दरअसल उनके बारे में क्या बोलूं तो वो हाँ साक्षात राम लक्ष्मण हैं। अगर वो दोनों रास्ते पर चलते हुए आए तो हर आदमी उन्हें नमस्कार करते हुए जाता है। आज शनिवार है। अरे बाप रे, आज शनिवार है, मालूम पड़े बगैर ही आ गया। अरे बाप रे, शनिवार है। आज शनिवार है, शनिवार बोल के डर रहे हो क्या? यहाँ कमिश्नर आने वाला है क्या? कमिश्नर नहीं हुआ तो क्या हुआ? कोई गलती करेगा तो बस 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड। अच्छा तो कोई मंत्री मंत्री आ रहे क्या? मंत्री आए तो क्या होगा, उसे जो चाहिए वो हमसे ले लेता है, हमें जो चाहिए वो दे देता है। तो फिर कौन आ रहा है यार? सिटी के लिए भीम और हमारे लिए यमराज राम लखन आ रहे हैं। वो लोग तुम्हें मारेंगे क्या? हमें मरना नहीं है भाई, वो लोग मार कर हमें बीच में फंसा देते हैं। वो लोग तो सगे भाई है ना? वो कब की बात है, अब वो लोग जानी दुश्मन है। वो लोग छुरी और तलवार घिस लेते हैं और बीच में जो आता है उसे काट डालते हैं। अरे बाप रे, मैं तो चलता हूँ। इसको इतनी छोटी सी कहानी सुनाया तो डर के भाग गया, और इससे बड़ी कहानी सुना देता तो पता नहीं और क्या क्या कर बैठता। अरे बाप रे, आज वो दोनों आ रहे हैं। अरे बाप रे, आज तो मैं ही फंस गया रे। We'll be right back.
पहले मुझे साइन करने दे। ए, पहले तो मुझे साइन करने दे वरना तेरा सर फट जाएगा। ए कांस्टेबल, पहले अगर इसने साइन किया ना तेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा बहुत जल्दी। आप लोग गवर्नर पोस्ट या सीएम पोस्ट के लिए साइन नहीं कर रहे हो, गुंडों के हाजिरी खाते पे साइन कर रहे हो। ए, लेक्चर देगा तो तेरा सर फट जाएगा। पहले मुझे साइन करने दे, चल मुझे साइन करने दे पहले। अरे मैं साइन करूंगा पहले। अरे मैंने कहा ना मैं करूंगा, मैंने बोला मैं करूंगा। पहले मैं करूंगा साइन, पहले मैं करूंगा साइन। अरे कहा ना मैं, अरे मैं पहले, मैं पहले, अरे पहले मैं पहले। अरे कहा ना मैं। साहब कुछ है तो दे दीजिए, कुछ है तो दे दीजिए साहब। निकल यहां से। ए शंकर, मेरे सामने आने की तेरी हिम्मत नहीं तो मेरे बेटे को मारने की कोशिश करता है, उसकी गाड़ी में बम लगाता है। ए, हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मैं अभी आती हूँ तेरे पास। हाँ ए चंदर, चाल बताती उसको। ए तू, तेरी जिंदगी के ऊपर पीठ पीछे वार करता है। ये हमारे वंश में नहीं, चाहे कितना भी बड़ा मर्द हो, उसे गला पकड़कर रोड पर बीच रास्ते में लाकर चीरने वाला वंश है मेरा। देखो तुमने जो काम किया है उसके लिए ये यामिनी कुत्ते की तरह सड़क पे भौंक रही है। ए शंकर, अगर मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल, आज तू रहेगा या मैं रहूंगी, आज फैसला होके रहेगा। आ सामने आ। ए कुत्ते की तरह क्या भौंक रही है, पीठ पीछे वार करने वाला कौन बोल रहे है रे? ये हमारा चरित्र नहीं है। ये स्वामी पीठ शंकर के बारे में पूरी सिटी में पूछ ले, बता देगा। ये बात है, ये स्वामी पीठ का शंकर कितना शरीफ है मुझे अच्छी तरह पता है। तेरी माँ बस स्टैंड में जेब काटती थी, तेरा बाप रेलवे स्टेशन में चाय बेचता था, और इस शंकर के बारे में क्या बोलूं? वो धूल पेट के हुडुम्बा सिंडी की भट्टी में उफ उफ करके फूंक मारा करता था। ये स्वामी पीठ के शंकर की स्टोरी है, धूल पीठ के यामिनी को क्या सुनाता रहे? बहुत खूब, दूध पेट यामिनी बोल रही है, तेरे बारे में किसको बता रहे? तेरा बाप फटे हुए और कटे हुए टुकड़े लाला के बेचता था और तू मुझे बता रही है? ये स्वामी पीठ शंकर को अपने बारे में बता रही है, धूल, कितनी घटिया। ए, और एक बात मेरी माँ के बारे में बोला ना तो हवा में उछाल के चीर डालूंगी, समझ गया? ए, मेरे बाप के बारे में अगर बोले चीर कर उसमें नमक डाल दूंगा, क्या समझ रही है अपने आप को? अरे जरा देख तो सही, ये कितना बढ़ चढ़ के भौंक रही है। ए, मेरे बाप से कुछ कहा ना तो छीड़ दूंगा। अरे तू मेरा क्या उखाड़ेगा, चोरों की तरह पीछे से बम लगाता है। अगर हिम्मत है तो सामने आ, दिखा देता हूँ तेरे को। अरे बहुत सुन लिया, चल एक एक हाथ हो जाता है, चल चल। अबे आ रे तू इधर आ, हुआ मम्मी यहां नहीं मानना, मंदिर में जाके शिव जी के सामने बलि देना। बहुत बोल रही है, ए राम कल शिव के मंदिर में इसका गला पेश कर। ए अगर वो हार गया तो एरिया छोड़कर चले जाना है, समझी? एरिया का क्या, मैं ये जगह छोड़ के चली जाऊंगी। कल अगर मेरा बेटा हार गया तो उसी वक्त शिव जी के सामने बलि दे दूंगी। हाँ। ये कैसे पति पत्नी है, कब शादी की, कब संसार बसाया और कब बच्चे भी पैदा हो गए? तो फिर कल की शर्त के लिए रेडी हो जा। बिल्कुल बेटा, कल इसका सर कट के गिर जाना चाहिए और गली में इसका पजामा उतार कर लहंगा पहनवा कर घुमाऊंगी, चल मेरे साथ। चल देख लेंगे। हाँ। कल जो शिव जी के मंदिर में लगी धनुधरी कल इस गली में छूट जाएगी। इसमें बैठ के कितना अच्छा लग रहा है। चलो सर। भाई साहब रास्ते में आकर ऑटो रोक दिए, क्यों पेट्रोल खत्म हो गया? मेरी हालत खराब हो गई, पूरा गांव मुझको घुमा डाला लेकिन एड्रेस नहीं मिला। ओ माँ जी तुम्हें बहुत सारा पैसा देगी, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारी जरूरत भी नहीं, चलो निकलो उतरो। क्यों रे, तुम्हें सच में उसका एड्रेस पता है ना? हाँ माँ जी मुझे पता है, पता है। बिना एड्रेस के मेरी जान निकालते रहे, चलो भागो। अरे हराम को रोड कितनी चलवाएगा, ये एड्रेस पता है कि नहीं? ये पास ही में है, दिखाता हूँ। हाँ, चलो दिखा, चल। हाँ, चलिए आइए। क्या यार, ए हराम को, तूने मेरी पोतियों को कैसे कपड़े पहनवाए, देख जरा देख, गांव की सारी जनता मेरी पोतियों को देख रही है। ऐसे मत बोलिए माँ जी, उस राम लक्ष्मण को मॉडर्न ड्रेस बहुत पसंद है। हाँ।
कोई मामूली ड्रेस नहीं है, फिल्मों में सोनाली बेंद्रे और आरती अग्रवाल के पहनने वाले ड्रेस है माजी। हाँ। ओहो, तो अगले 10 मिनट में उनका ड्रेस नहीं बताया तो तुझे जिंदा रहते हुए तेरा क्रियाक्रम करवा दूंगी। इतनी बड़ी बात मत बोलिए माजी, पास ही में चलिए दिखा रहा हूँ, आइए दिखाता हूँ। हाँ। कुछ भी नहीं, दूर चलवाएगा रे कमीने, तुझे इनका एड्रेस पता है कि नहीं? इधर है माजी, जाने वाले को मत छेड़ो। अगर बिल्डिंग उन दोनों की कह दे तो बच सकते हैं। हाँ। मिल गया। हाँ, किधर है? जल्दी बोल। तुम्हारी पोतियों से शादी करने वाले उन दोनों का घर यही है। हाँ। इतनी बड़ी बिल्डिंग है? हाँ। राम लक्ष्मण का घर है? ये कैसा रिश्ता लाया है तू? शशिकला, लक्ष्मी, देखा तुम्हारे होने वाले पति का घर है? इतना बड़ा घर है, तुम इतना अच्छा लड़का है रे, तेरे मुंह में घी शक्कर, तेरी उम्र लंबी हो। क्या सोच रही हो माजी? आपके जैसे बड़े बड़े लोग हर रविवार को इधर ही खाना खाने आते हैं, कपड़े वगैरह फाड़ फाड़ कर जितना खा सकते हैं उतना ढकेल कर खाते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं बता दूंगी, हमारे जमाई की कमाई हमें खानी चाहिए, कोई और नहीं खा सकता। हाँ, खाइए खाइए, पूरा आप लोग ही खा जाइए, कोई शक नहीं। हाँ, जा, कोई जा, शक जा, नहीं। चल जा जा जा, जा अपने जमाई से कहकर तुम्हें अच्छा सा तोहफा दिलवाऊंगी। ओ, तोहफा वो हमें क्यों माजी, आप जाइए और आप भी साथ में जाइएगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन बैग तो मुझे दे। इतने बड़े घर में एक चढ़ा हुआ बैग लेकर जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? ठीक है, जाइए जाइए जाइए। देखा कैसा सो रहा है बेवकूफ? अरे बेवकूफ, हमारे राम लक्ष्मण की कमाई खाकर सो रहा है गधे की तरह, शर्म नहीं आती तुझे? कौन है माजी आप? ए, ये घर हमारे होने वाले पति का है, जानते हो? होने वाले पति का? हाँ, वही राम लखन की होने वाली पत्नी है हम। क्यों रे, ऐसे पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? सिन्ने सलाम कर, नहीं तो देखो नौकरी से निकाल देंगे। हाँ, बिल्कुल सही। क्या निकालने आई हो? ये हाईटेक सिटी है, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, जाइए जाइए। अरे मैं लौट गई, मैं बर्बाद हो गई। देखा वो शादी का ब्रोकर हमें कैसे धोखा दे गया। हाँ चलो जाओ यहाँ से जाओ। अरे अरे, कितना धोखा हो गया हमारे साथ, शादी के ब्रोकर ने हमें कितना बड़ा धोखा दिया है। अंधेरा होने से पहले हमें गांव चले चलना चाहिए, है ना? नहीं जाएंगे। हाँ? नहीं होगी? हाँ दादी, वो राम लखन को ढूंढकर उनसे शादी करने के बाद गांव वापस आऊंगी, आप जाइए। अच्छा, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ? ब्रह्मांड व्याप्त देहा भसते ही मदचा भासमाना भुजंगे ही कंटे काला कपर्दा कलित शिकला चंड कोदंड हस्ता त्रेक्षा रुद्राक्ष भूषा प्रणत भयहरा सांभवा। पंडित, पूजा हो गया क्या? हाँ, हो गई, अभी थोड़ी सी बाकी है। ए, जल्दी करो। ए, चलो ना देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। चलो चलकर देखते हैं। ए, ये फोटो में जिसे हमने देखा था वो यही है ना? हाँ, हाँ, अपने होने वाले पति यहीं पर है। अच्छा, ये तुम्हारे पति है क्या? गुंडे लोग? गुंडे लोग? ये तो राम लखन है ना? अरे ये राम लखन, एक नरकासुर है तो दूसरा रावणासुर है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करके डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इनके माँ बाप में तो कुछ अक्ल ही नहीं, इन दोनों को गुंडा बना दिया। दोनों भाई कभी भी आमने सामने होते हैं तो लड़ते झगड़ते रहते, आज तो किसी एक की मौत निश्चित है। ए बेटा, ये अपने आप को तो रमखान समझता है,
इसे आज तो टुकड़े टुकड़े कर दे, ताकि इसको पता तो चले कि धूल पीट की यामिनी कितनी ताकत रखती है। बेटा, उसे सुअर की तरह हरा कर हलाल करना होगा, और उसकी नसों का हार तुझे तेरे बाप को पहनाना होगा, और उसकी माँ को दिल का दौड़ा पड़ना चाहिए और वो मर जाए। देख लेंगे आज किसको दौड़ा पड़ता है और किसकी हालत खराब होती देख है। लेंगे देख लेंगे आज उसका सर काट कर आना, तू जा जा बेटा। बेटा भगवान इनको बचा ले जाए। जा चीर दे उसे, जा। ये ले तलवार। तुम लोग एक दूसरे को मारना चाहते हो, लेकिन भगवान शिव को पसंद नहीं। भगवान की वजह से तेरा बेटा बच गया, नहीं तो मेरा बेटा इसे मौत की मुंह में ढकेल देता। चल बेटा। आज तेरे बेटे की किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गया। ए, चल रे बेटा। चल। चलो। उसको तू देख लेना, ठीक है? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैं आपके चरणों की दासी हूँ। फिर भी मैं आप पर कैसे विश्वास करूं जी? मुझे मंगलसूत्र बांधने वाले थे, इसीलिए शायद शिवजी ने तुम्हें बचा लिया। कौन है भैया ये? मैं इनके होने वाली पत्नी हूँ। भैया कितने दिनों से चल रहा है ये कपलिंग? कपलिंग की ऐसे की तैसी। ए, कौन है तू? हमारे बगल में किलर्स के लिए जगह है, लेकिन लेडीज के लिए नहीं है। भैया भाभी जो है अपनी भाभी बताकर तुम्हें लोभी कर दे रही है।
चलिए ना घर चलते हैं, चलिए। लेडीज के हाथ लगाने से मैं फिसलने वाला नहीं हूँ। मेरा नाम लखन है, दूंगा ना खींच के टमाटर पिचक जाएगी। अरे चल यहाँ से, अरे चल चल गाड़ी में बैठ, अरे चल सब बैठो। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, दिखला जा। तू जोकर की तरह खड़ा क्या देख रहा, निकाल पागल। अरे लुंगी कहाँ है, मिल नहीं रहा है। माँ लुंगी कहाँ है? वही होगा देख ले। लो तुम्हारी लुंगी। अरे अरे तू यहाँ पे, अरे तू यहाँ पे क्या कर रही है? मेरी सासू माँ ने खुद आरती उतार कर मुझे घर के अंदर ले लिया। इज्जत से बाहर जाएगी कि दो साल है। निकल यहाँ से। झलक दिखला जा। माँ माँ क्या मामा चिल्ला रहा है, बोल क्या बात है? अरे ये कैसे अंदर आई? मैंने इसे अंदर आने दिया, एकदम लक्ष्मी की तरह अपना बाया पैर रख के अंदर आ गई, बिल्कुल लक्ष्मी की तरह है। इसी ने मारा होगा। ए क्या बात कर रहा है? देख बेटी, ये देखने में भले ही ऐसा हो लेकिन दिल सोने की तरह है, समझ रही है ना तू? ए अगर इस लड़की कुछ बोला तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ सच में भाई, इसके मुँह में उंगली डालो तो ये चाटने लगती है, काटती नहीं है। हाँ जी एक बार लगा कर देख लो। क्या लगाने की बात कर रही है बे? एक खींच कर दूंगा ना तो पिचक जाएगा। तो मुझसे उल्टी सीधी बातें करोगे ना तो मैं माँ जी से बोल दूंगी। अरे माँ को बोलेगी तो? माँ जी आती हूँ आती हूँ। मैं जाता हूँ। ला 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 ला। क्या लग रहा हूँ मैं? अरे ठंडे ठंडे पानी में नंगा नंगा नहाना कितना अच्छा लगता है। ओह अरे क्या मजा आ रहा है, अरे बहुत अच्छे। कौन से पानी से? अब ठंडे पानी में नहाने का मजा ही कुछ और। और ये क्या कर रही है? यहाँ क्या ढक रहे हो, वहाँ ढको ना। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे रखा है। अच्छा मेरी हर इच्छा देखने के लिए रखा है यहाँ पे? नाराज क्यों हो रहे? एक झापड़ मारा ना तो देखो। चल। अरे हरामी तुम्हें जाने की इतनी जल्दी है तो मेरी दुकान पर क्यों आके गिरता है? यहाँ पे शायद भाई ब्रांडी का दुकान खोलने वाला है। कितनी बार तुम लोगों को कहना पड़ेगा कि तुम लोग ये जगह खाली करो, समझ में नहीं आता क्या बे? साला हरामी कुत्ता, दुष्ट कहीं का। अरे हरामखोर लपंगे लुच्चे, तू उस लंगड़े को क्यों मारता है रे? तेरे हाथ टूटकर गिर जाना चाहिए, तू इस सांबर में थूकता है तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। यही ना। अरे बेटा मत रो। सर ये लीजिए लाइसेंस। मैंने लाइसेंस मांगा है क्या? लाइसेंस मांगा है क्या? फिर आपको क्या चाहिए सर? तो फिर काहे के लाइसेंस दिखा रहा है, पीछे बैठता है मेरे को, चल आगे बढ़ जगह दे। ये क्या कर रहे हैं सर? गाड़ी से उतरी, ये क्या कर रहे हैं? अरे अगर तू तलवार पकड़ ले तो कनक दुर्गा है। पुरुष और हिम्मत वाले तुम ही हो इस गांव में। अगर अपनी आंखें लाल कर ले तो काली माँ है। पांडव महाराज की तरह आप विश्व का एक कलाकार हो। सामना करने वाला नहीं है इस माता का। कर्ण के जैसा एक बेटा है। खुशियों का पहरेदार है हमारे घर के सामने। हमारे घर के सामने एक घमंडी औरत रहती है। हाँ शाबाश। हाँ ये है आज का मसूरी। क्यों रे थैली का साइज इतना छोटा क्यों गया? हाँ माँ जी जिसके पास जाता हूँ वो आज या कल कहता है। ऐसा क्या? हाँ माँ जी सच में? हाँ माँ जी तेरे को अभी बताती हूँ मैं। रुक रुक अरे रुक जाए। माँ जी धूल पीट के यामिनी को टोपी पहना रहा है तू, निकाल पैसे निकाल।
माफ कर दो, पैर के नीचे आ तो माफी मांग रहा है, अभी छोड़ रही हूँ। तेरा क्या प्रॉब्लम है? नमस्ते माँ जी, मेरा नाम विष्णु है। क्या काम है बोल? जी मैंने एक जगह खरीदी थी, वो लोग उस पर कब्जा कर लिया, अभी वो उसको छोड़ नहीं रहे। ए जोकर, ऑक्यूपाई कर ले। ऑक्यूपाई नहीं माँ जी, ऑक्यूपाई इसका मतलब है जमीन पर कब्जा करना। अच्छा अच्छा, ये बात है। ए तेरे को जो बात करनी जल्दी कर। हाँ माँ जी, सुनिए ना माँ जी, वो जगह वापस मिल पाएगा? वो जमीन कितने में खरीदा था? अजी 5 लाख में माँ जी। कितना एरिया है? 5 एकड़ की। जमीन कहाँ है? बंजारा हिल में। जो हाँ माँ जी, इसे 6 लाख दे के जमीन अपने नाम लिखवा ले रहे। ठीक है माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आप ज्यादा फीस मांगेंगे करके मैं जमीन की कीमत कम बताया। मुझे पहले ही पता था तू धूल पीट के यामिनी के सामने चालाकी दिखाएगा। अगर ये यामिनी अपना पल्लू भी झटक देना तो सिटी का रंग बदल जाएगा। तेरी तो मैं अभी तेरे को बताती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। 7 लाख होंगे, तुझे मंजूर है ना? मंजूर है। गिनने के लिए कुछ लाया है क्या? हाँ लाया हूँ। ठीक है, ये लीजिए। बेटा लखन, जरा बाहर तो आ। क्या माँ? मेरे पास तो आ। इसका केस समझ में आ गया? हाँ समझ गया। हाँ तो वहाँ जाकर जितने लुच्चे लफंगे हैं उनके हाथ पैर तोड़कर इनकी जमीन उनको दिलवाकर पैसे लेकर आ जा। ठीक है माँ। ये है मेरा बेटा लखन, पूरे सिटी में चलता है इसका चलन। जा रे बेटा जा। नमस्ते साहब, बात दरअसल यह है कि तुम्हारा नाम शिवगिरी है, तुमने बंजारा हिल के पास शाहिद भाई से एक जमीन खरीदी है। इस तरह शाहिद भाई ने ये तो जमीन कई लोगों को बेची है, और जब तुम लोग उस जमीन पर गए तो शाहिद भाई ने तुम लोगों को जमीन खाली नहीं करके दी और तुमको मार भगाया, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। और जिसने तुम्हारे साथ जमीन खरीदी वो यामिनी के पास गया है, क्योंकि तुम मेरे पास आए हो इसलिए जमीन तुम्हारी है। ये सब आपको कैसे पता? ये सब मुझे कैसे पता? हमारे पास जब भी कोई केस लेकर आता है तो हम उसका फेस रीडिंग कर लेते हैं। ये मेरा बेटा राम है। गली के गुंडों से लेकर स्टेट के गुंडों तक सभी को लंबा कर दिया है। राम जी, तुम इनके साथ जाओ और वहां पर जितने भी लोग हो उनको अच्छी तरह से लंबा कर देना और पैसा ले लेना। जी बिल्कुल। जा, मेरा बेटा साथ जा रहा है ना, अब उनका खेल खत्म है, समझो। जा बेटा जा। चलो देखते हैं। शास्त्र बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, शनि का प्रभाव होने वाला है। ए, कौन है बे तू? लखन, 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 लखन। क्या चाहिए तुम्हें? दरअसल बात यह है कि तुम्हारे बाप ने ये जमीन कब्जा की थी, मुझे ये जमीन चाहिए। ये जमीन किसकी है जानते हो? मेरे भाई शाहिद भैया की। जानता हूँ। जानते हुए भी यहाँ आया, हिम्मत की दाद देनी होगी। हिम्मत? यही तो मेरी दौलत है। रौडियों का सरताज हो। अब ये लखन गिनती चालू करेगा, 5 की गिनती से पहले अगर कोई भी मुझे यहां दिखा तो उसे मैं फिनिश कर दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5 उस भैया से जाकर कह देता तुम्हारे कि लखन 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 इस सिटी का हवा चल रहा है। थैंक यू सर, ये बाकी के बैलेंस। और ये रही तुम्हारी जमीन, अगर फिर से तुम्हें किसी ने जमीन खाली करने को कहा
तो मुझे बताना है। थैंक यू सर। है चल रहे। चलो भैया। हे भगवान, कितने दिनों बाद मेरी जमीन मुझे वापस मिली। देवी, हमारी जमीन हमें मिल गई है। खान, कादर खान, मेरी जीप से पुलिस वाले नहीं गुंडे लोग उतरते हैं। क्यों बोले तो, मैं एक पुलिस वाला गुंडा हूँ। ये कादर खान बोले तो पूरा बोई पड़ा से लेकर बैंड स्टैंड तक ट्रैफिक जाम हो जाता है। मेरे शाहिद भाई की जमीन तेरे को चाहिए। कैसा रहा मेरा माँ? सुपर भैया। तू लखन है क्या? ये वो नहीं, ये उसका भाई राम है। ये क्या, हमारे डील में पुलिस वाले को मारना तो नहीं था? नहीं, ये था। तो लगता नया है। इसको मारना है तो फीस ज्यादा लगेगा। कितना सर? कितना बोले तो हाथ निकालना है तो 10,000, पैर निकालना है तो 20,000, और अगर इस लायक करना है कि ड्यूटी और घर दोनों ना चाह पाए तो फिर 50,000, और पूरी तरह से अपाहिज करना है तो 1,00,000 रुपए लगेगा। क्यों, ठीक है ना? ओके सर। ये क्या, ये तो लखन से भी बढ़कर राम लग रहा है। शाबाश। ये कादर खान का नाम सुनते ही गुंडे लोग दुम दबा कर भाग जाते हैं। मेरे सामने खड़े होकर पहली बार कोई सर उठाकर बोला। तेरे से तो फाइट करना ही पड़ेगा। ये बहुत खुश हो रहा है भाई, मारो भाई। मेरा एक कंडीशन है, तेरे को मैं 5 मिनट का वक्त देता हूँ। इस बीच तूने मेरे बॉडी के किसी भी पार्ट को छुए ना तो ये जमीन तेरी हो जाएगी। डन। चलो देखते। ये कह रहा है बॉडी के जिस अंग को छुएगा वो अंग उसकी। अरे बेवकूफ, वो इसके बॉडी को छुएगा तो वो देगा ना, और इस 5 मिनट में उसके हाथ पैर नहीं बचेंगे। तू देख। Time is over. देख उसके नाक से खून निकल रहा है। ये लीजिए सर आपके पैसे। अभी से ये जमीन तेरी हो गई, और इसके बाद अगर कोई यहाँ पे दिखाना तो फिर मैं देख लूंगा। मैंने पैर रखा है, हिम्मत है तो सामने आके दिखा। तुम्हें उस दिन मैं शिव जी के सामने चीर देता, लेकिन भगवान ने तुम्हें बचा लिया। लेकिन आज मैं देखता हूं तेरे को कौन बचाता है। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। चला जा। नहीं सर, आपस में मत लड़ो आप लोग। आप दोनों हमारे लिए लड़े ये अच्छी बात नहीं है। आपने उन गुंडों को मार भगाया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये जमीन हमारी है, हम आपस में समझौता कर लेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप आपस में मत लड़िए प्लीज। आप जाइए सर। रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज। क्या आदमी है यार, सुबह से आकर बैठा हूँ अभी तक उठा नहीं। अरे भाई सुबह हो चुकी है, 11 बज रहे हैं, अभी तक नहीं उठा यार। ए चिल्ला मत भैया, उठेंगे तो उनको अपना प्रॉब्लम बताना। अरे यार कुछ भी मत बोल, वो अगर कोर्ट जाएगा तो उसको कोर्ट सेंटर में चीर देगा ऐसा बोला है। अगर वो कोर्ट पहुंच गया तो मेरी मौत तो निश्चित है यार।
एडवांस में मेरी मौत की बुकिंग क्यों कर रहा है यार, जगा ना उसे। अरे चिल्लाना बंद कर, नहीं तो एसिड डाल दूंगा। हाँ क्या एसिड डाल दोगे? अबे तुलसी का पौधा समझ के रखा है क्या? हाँ बोला ना चिल्ला मत। अब पैसे तो दे दिया है, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा। किसने मारा तुम लोगों को? राम और लखन ने हमें मारा है। ये राम लखन की है कैपेसिटी, पुलिस वाले हैं जानकर भी इन लोगों को बड़ी बुरी तरह से पीटा है। इस पूरी सिटी को वो लोग लीड कर रहे हैं और ये शराब पीकर सुअर की तरह सो रहा है। ये एक दिन जरूर चूड़ियां पहनेगा और वो दोनों का गुंडा राज हो जाएगा। ये एक दिन जरूर चूड़ियां पहनेगा और वो दोनों का गुंडा राज हो जाएगा। चीर के रख दूंगा, चीर दूंगा। तू कल ये वर्दी उतार कर आना, चोली पहन कर गली गली घूमना, धिक्कार है तेरे पे। तू एक बाजार की औरत ने मुझ जैसे को पैदा करके बाजार में फेंक दिया था और उसी बाजार को लूट कर मैं बड़ा हुआ हूँ। सर्दी से बचने के लिए पहली बार मैंने कंबल के लिए पहला खून किया था और तब से लेकर इन 40 सालों में मैंने 400 से ज्यादा मर्डर किया है। और आज ये राम लखन, आज इन दोनों ने मुझे पहली बार डिस्टर्ब किया है। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे मैं तुम्हें नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो प्लीज। अरे मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं पैर फूटता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं छोड़ता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जमीन नहीं चाहिए। तू इस जमीन के लिए शाम लग के पास गया था ना, मैं देता हूँ तुझे जमीन। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। भाई भाई, आपने शिवगिरी को जमीन दिलाया था ना, उसको लखन ने मार दिया भाई। चलो भाई, आपने जिस वेंकटराव को जमीन दिलाया था, राम ने उसे मार दिया। राम, ए, हमारा निशाना सही जगह पर लगा है। अब देखना राम लखन आपस में लड़ेंगे और तभी हम वहां पहुंच कर दोनों को खत्म कर देंगे। पूरे सिटी को पता चलना चाहिए शाहिद भाई का पावर क्या है। चलो रे। ए, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों भीड़ इकट्ठा है यहाँ? कुछ नहीं साहब, बस हम लोग यहाँ मिलने आए थे। अच्छा भाई, हम लोग बाद में मिलते हैं, चलो चलता हूँ साहब। चलो भाई, तुम्हारे बारे में हमको सब पता है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, होशियार रहो, सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल सर। पिताजी बाहर गए हैं भाई। अरे तो शुरू करो। क्या कर रहा बेटा? कहाँ पिताजी? बाहर। पिताजी तो बाहर गए, मुझे क्या पता। ए अंदर आओ। हाँ आता आता। आ रहे आ रहे। हाँ पिताजी वो हाँ तू? हाँ मैं हूँ। और तूने मेरा ड्रेस पहना है। तू मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है तो मैंने सोचा तुम्हारा ड्रेस पहनकर मेरी इच्छा पूरी कर। वो सब ठीक है, मेरा ड्रेस मुझे लौटाओ। नहीं दूंगी। अरे देगी नहीं कैसे?
ओए, क्या ये? क्या करूं मैं बोलो? लगा तो तूने हाथ में है, तेरी आंखें क्यों कमजोर हो गई? क्या करूं, तुमने तो खुद ही खरीद के दिया। हाँ मालूम है, बहुत खूबसूरत है ना तू, उसलिए उस दिन ड्रेस दिया था। चल पल्लू उठा, बहुत कुछ दिख रहा है। ए, मैं टेम्पटिंग दिख रही हूँ क्या? आ, आ, दिखाता हूँ कितना टेम्पटिंग है। कान के नीचे बजाऊंगा ना, चटनी हो जाएगी। चल पल्लू उठा, चल। पल्लू कैसे उठाऊं, दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, तुम उठा दो ना। अच्छा चल, मैं कर देता हूँ तेरा काम। चल चल जा। आ, ये क्या कर रही है? अरे तेरी तो नहीं दूंगी। अरे निकाल निकाल, अरे मेरे कपड़े दे मुझे। क्या कर रही है? नहीं ना, निकल, मुझे शर्म आती है। अरे चल शर्ट निकाल, अरे शर्ट मेरा है। कैसे कर रहे हो? अरे क्या कर रही है तू? जाएगी कब तेरी तो? अरे अरे क्या कर दो। पहले मेरी बात सुन लो, गोलकुंडा के मंदिर से जो जेवरात चुराए गए हैं वो हमारे पास है, और इस शहर के तमाम गुंडों को ये खबर मिल जानी चाहिए। ठीक है भाई। हेलो, मुंबई के दाऊद खान? मैं दाऊद बात कर रहा हूँ, हाँ कल आता हूँ। ठीक है कल आता हूँ। स्टेट के सभी गुंडों को तेरा तड़का लगा देना, और सबसे पहले इस हरामी को बताना तुम मत भूलना। बेटा लखन, तूने मेरा दूध पिया है और दूध का कष्ट चुकाना है। गोलकुंडा किला में जो नीलामी चल रही है वो सब हमें आना चाहिए। तू सर काट के आता है या सर कटवा के आता है कोई फर्क नहीं, लेकिन गहने मेरे घर में आने चाहिए। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मेरे रास्ते में जो हाथ आएगा उसको काट दूंगा मैं। नीलामी से वो जेवरात मैं आपके हाथ में ला कर दूंगा। शाबाश बेटा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, जा और लेकर आ, इन सबको दिखा दे। चले। ए, स्टार्ट करो। ये क्या भैया, उन दोनों का इंतजार तो करना चाहिए ना। ए, कौन है वो दोनों? राम लखन। भैया, राम लखन इधर आकर मरना मांगता और मेरे को वो गहने मांगता। ठीक है। हाँ शुरू करो। इस भगवान के गहने की बोली 1,00,000 रुपया से शुरू होती है। 2,00,000। इस शहर के उत्तर के भाई की तरफ से 2,00,000। 3,00,000। पंजाबपुरी सिंह की बोली 3,00,000 की है। ए, 4,00,000। हाँ। लड़कियों की ब्रोकर संध्या की बोली 4,00,000 की है। 5,00,000। पूरब की यमनी का बेटा राम की बोली 5,00,000 की है। 8,00,000। पूरब के शंकर भैया का एक लौता बेटा लाखन की बोली 8,00,000 की है। 10,00,000। सबसे बड़े भाई शाहिद भाई की बोली 10,00,000 की। 12,00,000। 12,00,000। 14,00,000। 14,00,000। 15,00,000। ये हुई ना बात, शाहिद भाई की बोली 15,00,000 का। 20,00,000। 20,00,000। 25,00,000। 25,00,000। 30,00,000। 30,00,000। 35,00,000। 35,00,000। 40,00,000। 45,00,000। 46,00,000। 46,00,000। 47,00,000। 50,00,000। इसके आगे कोई बोली नहीं लगाएगा, ये बोली मेरा है, कहने मुझे दो। ये क्या भैया, आप इस तरह बोली नहीं रोक सकते, आप अपना बोली बोलिए, बाकी लोग भी अपनी बोली बोलेंगे। ये शाहिद भाई है। अरे तेरे तो
अरे पकड़, अरे उसको पकड़, जाएगा कहाँ पे, पकड़ साले को। अरे पकड़ पकड़ पकड़ो। अरे अरे दूसरा लेके भागा, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो। ये रुक जा, ये वो भागने ना पाए। ए डार्लिंग मुझे देना, नहीं दूंगा। अरे देना डार्लिंग मुझे देना, मेरी ब्यूटी मेरी वाह मेरी चा। अरे किधर गई वो पोटली, दे दे इधर। माटी मिले, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो दर्द की मुंडी अलग कर दूंगा। भाई भाई हट जा, हट जा। अरे छोटे, अरे छोटे, अरे छोटे, छोटे ये क्या हो गया? अरे छोटे ये क्या? माँ को फोन लगा। ठीक है भाई, ये लो भाई। माँ वो गहने हमें ही मिले हैं और वो शंकर के सामने तू मार रहनी लगनी चाहिए। हाँ आ रहा हूँ, चलो चलो। ए, सुन रहा है क्या? आज मेरा बेटा लखन गहने लेकर आ रहा है, हम जीत गए हैं। वो शंकर को मैं अपने पैरों तले ऐसे कुचलूंगी, ऐसे कुचलूंगी। हाँ अरे ढोल बजा रहे। राजा देखो इधर है, सज धज के आ रहा है। राजा देखो इधर है, सज धज के आ रहा है। उनके तन पे वो गहने सज रहे हैं। शंकर भैया की जय, शंकर भैया की जय। बहुत बढ़ रही थी। आज तुमने साबित कर दिया कि उसने शेरनी का दूध नहीं बिल्ली का दूध पिया है। असली शेर तो ये है, ये देख रहे उसका चेहरा देख। असली गहना समझकर उसे पहन ले। हाँ एक को अपने सर पे रख ले, एक को गले में बांध ले और एक को कमर पे। चुप कर रहा है। अरे मम्मी क्या कर रही हो सबके सामने? अरे लगता है बहुत बेटा है क्या? इन 40 सालों में यामी ने कभी हार नहीं मानी और आज इस शंकर के सामने तेरी वजह से मुझे हार माननी पड़ी। तू लानत है तेरी जिंदगी में, देख उसको, देख वो गहने पहन कर कैसे मुझे ललकार रहा है, देख देख कैसे चिल्ला रहा है, मजे ले रहा है।
आज तक मैं सोचती नहीं कि मैंने एक मर्द के बच्चे को पैदा किया है, लेकिन आज पता चला कि मैंने चूड़ी पहनने वाले को पैदा किया है। तू तेरी जिंदगी में, तूने मेरे कोख पर कब्जा किया, मेरा अपमान किया है तूने। तुझे जीना नहीं चाहिए, तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मेरा बेटा नहीं है, तू लायक नहीं है। अरे मत करो, मुझे छोड़ो, मैं तुझे मार डालूंगी, मार डालूंगी। तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है। तू चला जा, चला जा। तूने मुझे मेरा अपमान किया, छोड़ दे, छोड़ मुझे, छोड़ो। आय, अरे ये क्या हो गया भाई? भाई तुम रो मत भाई, रो मत भाई, हम लोग है ना भाई, रो मत। आप सिर्फ हमको बताओ, हम उस लखन को चीर के रख देंगे, आप रो मत भाई। देखो भैया, तुमसे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, तुमसे तो मुलाकात करने आया हूँ। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी दोस्ती। देखो भैया, तुम इस वक्त दुखी हो और अब तक तुम शेर की तरह रहे हो। हाँ, शेर का सर कट जाए पर झुकना नहीं चाहिए। मैं सब क्यों कह रहा हूँ पता है? एक मैन में दो तलवार की तरह एक एरिया में दो गुंडे नहीं रह सकते, समझ में आया ना? इधर तुम अकेला उदास बैठे हुए हो और उधर तुम्हारा भाई तलवार लेके खुशियां मना रहा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेघर कर दिया है और वो हीरो गली में एक दिन का सुल्तान बना फिर रहा है। डायरेक्ट काम की पॉइंट पे आते हैं। उसने मारा तो तुम्हारा दिल टूट गया, अगर तुम उसे मारोगे तो उसका सर कट जाना चाहिए, और तुम्हें क्या करना है वो हमारे शाहिद भाई बताएंगे। देख भाई, क्या हुआ वो तेरे दिल में है और आगे क्या होगा वो मेरे दिमाग में है। दिमाग मेरा और हिम्मत तेरी, तुझ पर पूरा भरोसा है। मेरे आगे तू रहे, तेरे पीछे मैं रहता हूँ। पूरी सिटी को हैंड ओवर कर लेता हूँ, 50-50। उसे मैं तेरे सामने लाता हूँ, तू उसे लात मार या सर पे बिठा, ये तेरी इच्छा। तू उसे लात मार या सर पे बिठा, ये तेरी इच्छा। तू उसे लात मार या सर पे बिठा, ये तेरी इच्छा। ओके बोले तो तेरा फर्स्ट टारगेट तेरा भाई राम। 24 घंटे में राम की लाश तुम्हारे चरणों में होगी। कैसे? हम लोग हम शक्ल जो ठहरे, ये उसके लिए बैड टाइम है। आइए ना, मैं यहीं पर हूँ, तुम जाओ। आओ ना, किसी को मारना हो तो जल्दी आ जाते हो, मंदिर में बुला रहे हो तो नहीं आते। भगवान हमें जुड़वा बच्चे दे, इसीलिए प्रार्थना करते हैं। चलो ना। भगवान ही बचाए। भाभी प्रसाद दोनों। भाभी सॉरी सॉरी जी सॉरी, गलती हो गई। प्लीज प्लीज, गलती हो गई। कहाँ चले गए राम? राम? हाँ चलो चलते हैं। ए, हाँ। तुम धोखेबाज हो। पंडित ने तुम्हें 3 बार प्रदक्षिणा करने के लिए कहा। वो क्या, पहले एक चक्कर काट चुका था। चलो चलो। ए भैया आ गए, जल्दी चढ़ो जल्दी चढ़ो। Oh!
तुम्हें इसी राम की तलाश थी ना, जिंदा लेकर आया हूँ इसे। ए शबाश भाई, शबाश भाई, हो तो ऐसा। इसी ने मरवाया था मेरे भाई को, मेरे इन हाथों से मेरे भाई को मरवाया था। अभी से बदला 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 बदला। ए राम खत्म हो गया, मेरे भाई को मरवाया था इसने और आज मैंने राम को खत्म कर दिया। बोल क्या चाहिए तुझे, बोल बोल ना, बोल बोल बोल। तू क्या सोचा था मैं अपने आप को तुझे सौंप दूं? ए लाखन, ये कादर खान तेरे पास आया, तुझे सलाम किया, तेरा गुलामी करने के लिए नहीं बे, तुम दोनों को कलास करने के लिए। ए देख लिया, तेरे आंखों के सामने तेरे भाई को मार डाला। तुम दोनों एक साथ पैदा हुए हो ना, तो एक साथ मरना भी चाहिए। ओए तू? हाँ मैं हूँ रे साले। तो फिर उस बोरी में कौन है? बोरी खोल कर देख, आंखें खुल जाएंगी तेरी। ए बोरी खोलो रे। हाँ भाई। भाई छोटे, अरे छोटे छोटे मेरे भाई, ये क्या हुआ? ए, देखा क्या तूने? तुम्हारी हाथों कैसे तुम्हारे भाई को मरवाया? हमारे बीच में पेट्रोल डालोगे तो बिना चिंगारी के आग लग जाएगा, और वो आग हम नहीं लगाएंगे जो हमारे बीच में आएगा, हम उसे खत्म कर देंगे, समझे क्या? इतने दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे सर पर बाल नहीं है, और आज समझ में आया कि तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है। ये राम लखन एक साथ कभी नहीं मिलेंगे, और अगर मिले तो बस्ती में सवाल। दोबारा हमसे टकराने की जरूरत की ना, शांति भंग कर देंगे, समझे क्या?
पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। क्या है ये? क्या है जानती हो? ये जादू की दवा है। ये अगर थोड़ा सा भी खा ली ना तो हमारे स्वामी हमारे उंगली पे नाचेंगे। सच में? हाँ सच में, हम जैसा कहेंगे वो वैसा करेंगे। तो उनसे क्या करवाएंगे? उनके हाथों मंगलसूत्र बनवा लेंगे। मेरे राम, आज के बाद तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। क्या है वो? कुछ नहीं जी। क्या है दिखाओ? पान। अच्छा पान है। हे भगवान, पूरा प्लान चौपट हो गया। लखन, आज तुम्हारी इज्जत गई। ए शशि, चूल्हे पे दूध रख कर आई है, जाकर देख ऊपर ना जाए। ठीक है माँ जी। क्या है ये? हाँ? पान है। अच्छा, ये लड़की बड़ी अच्छी है। क्या क्या पान चुनो, क्यों सर घूम रहा है, क्या है इसमें? ए भाई, आ बोल। अरे तेरे को क्या लगता है यार? क्या आज हमको कोई अलग कर सकता है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ कर सकता है। अरे हमारे घर में जो राक्षसनी है वो कर सकती है। अरे नहीं साला, मेरे पास वो काला चंडाल जो है ना, उसको मैं देख लूंगा। रात के 12 बज गए, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। वो आ गए। कौन मेरा बेटा? लखन क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे? इसके साथ पीने में तुझे शर्म नहीं आई? अरे नहीं शर्म काहे की, खुद के पैसे से दारू पीता हूँ। अरे अब तो दारू पी ली, लड़की को भेज, नाचते चमक चलाया। देख देख सर देख, अबे तू भी है। अब देख कैसे नाचेंगे हम लोग। कैसे ऐसे हिलाने का? अरे देख भाई लोग, अरे देख नहीं तू उधर मैं इधर है, हाथ में बोतल है ना साथ में। I love you, I love you। अरे क्या हो रहा है? रुक तू, अरे चल बताता हूँ तुझे मैं। अरे रुक, चल चल बताता हूँ तुझे। अरे जा बात करने जा रहा है। अरे क्या कर रहा है? बोल दे चल रहा तू मेरे पास। अरे आजा इधर, तू अभी बताता हूँ। ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए। अरे क्या हुआ? ऐ काश के हम होश में अब जा रहे टकले, जा अपने घर जा रहे। ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए। Hey daddy, गाते ही जाए। ये तकिया है क्या? ए उठो तो। क्या हुआ? उठने की बात क्या? भाई घबराओ मत भाई, मैं हूँ ना। भैया आप हमें आज्ञा दीजिए, उन दोनों को चीर कर रख देंगे। दीदी जीजा जी तुम्हें पसंद है ना? बचाओ मुझे कोई बचाओ। क्या हुआ बेटा? अंकल वो कुछ गुंडे मेरे दीदी को पकड़ कर ले जा रहे हैं।
हमें बचाइए ना अंकल। चुप, 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 अल्लाह चुप करके, चुप, चालू मत बन, बचाओ, चुप कहा ना तुझे, अल्लाह मत, चुप, बचाओ, चुप कहा ना, चिल्लाते क्यों हैं, चुप, भागो। शायद तुम दुश्मनी। कैसा है रे? अच्छा है ना? है? तेरा तो सिर्फ अंग जल रहा है और तुम दोनों भाइयों ने मिलकर मेरे अंदर आग जला दिया रे। छोड़ दूंगा सोच रहा है क्या? नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोनों भाई मेरे दो आंखें थे, नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों ने मिलकर उसे मार डाला, नहीं छोड़ूंगा। टाइम काय को वाइज करो भैया, खत्म करो साले को। भैया खेलो। हेलो ए लखन, कादर खान, तुम दोनों भाई हम लोगों को खत्म करना चाहते थे ना? तुम्हारे भाई राम को हमने खत्म कर दिया। बता मेरा भाई कहाँ है? हाँ भैया 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 क्या हुआ तुम्हें? कब है? कौन है यहाँ पर? भैया भैया मैं आ गया। कांस्टेबल कादर खान कहाँ है? आप बैठिए साहब, वो अभी आते ही होंगे। हेलो कादर खान, मुझसे कोई मिलना है तो कह देना, मैं एक घंटे बाद आके मिलूंगा। हाँ सर, ठीक है सर। दिखाई नहीं दे रहा है भैया, लगता है एक तीर से दो निशाना लग गया। पीछे पीछे मारना मर्दों का खेल है बेवकूफ कहीं का। मैं तेरे स्टेशन में आऊं, अगर हिम्मत है तो लड़। Yeah.
ये सब? क्या है ये सब? एक बाजार का गुंडा तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आकर तुम्हारे इंस्पेक्टर को मार रहा था, और क्या कर रहे थे तुम लोग सब? बास्टर्ड कौन है ये राम लखन? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? राम लखन, आखिर कौन है ये राम लखन? विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर वो दोनों मेरे सामने होना चाहिए। जिंदा मिले तो ठीक है, नहीं तो उनकी लाश मेरे सामने लेकर आओ 24 घंटे के अंदर किसी भी तरह। मुझे वो दोनों यहाँ पर चाहिए, वो राम लखन मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। जाओ। एकदम फर्स्ट क्लास। राम तुम अभी घर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जख्म अभी भी ताजा है। जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैंने जो दवाइयाँ लिखकर दी है उसे वक्त पर देते रहिएगा। ओके। देखो दोनों भाई को अलग अलग नहीं रहना चाहिए, दोनों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। गांठ बांध लो, किसी को अगर मारना है तो दोनों मिलकर उसे मार के काट डालो। हाँ हाँ बेटा, राम और लखन एक साथ निकले तो लोगों को लगना चाहिए कि खुद ब्रह्मा भी चल के आ रहे हैं। ऐसा लोगों के दिल में खौफ होना चाहिए। इस सिटी में हमारे अलावा कोई दूसरा गुंडा नहीं होना चाहिए। चलो चलो बेटा। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? मेरे पोती को छोड़ दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को मत छोड़ना। निकाल। दिल्ली का करोड़पति यही है। हाथ खोलो। भाई भाई मुझे मारना मत। भाई भाई मुझे मारना मत। भाई माफ कर दो मुझे भाई। जायदाद के कागज पर साइन। हाँ भाई मैं सब लिख देता हूँ आपके नाम भाई। हाँ भाई फिर से चलता हूँ भाई। नमस्ते। नमस्ते भाई। क्या चाहिए? हम लोग ओल्ड सिटी के गुंडे हैं, अगर आप लोग हाँ कह दे तो हम लोग आपके कदमों में पड़े रहेंगे भाई। हाँ कह दीजिए ना। नमस्कार भाई। हैदराबाद सिकंदराबाद गाजियाबाद में चोरी का माल बेचने के लिए परमिशन चाहिए भाई। निकलो। अरे अरे मैं तुम लोगों से झगड़ा नहीं करने आया हूँ, बल्कि अपने भाइयों को माला पहनाने आया हूँ। भैया जरा मुझे भी याद रखना। राम लखन का नाम सिटी में एटम बम की तरह गूंज रहा है। मेरा दिल बहुत खुश है छोटे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। तुम ये जानना चाहोगे क्यों मैं तुम लोगों के पास आया? पंडित के पास जाता तो झापड़ खाना पड़ता, मंदिर भी नहीं गया क्योंकि वहाँ जाता तो सर झुकाना पड़ता। 40 साल हो गए ऐसे ही लोगों से बच रहा हूँ। मन में किसी तरह की मैल रखे बिना कह रहा हूँ तुम लोगों से मुझसे हाथ मिला लो। ये हैदराबाद सिकंदराबाद को राख में मिला के रख देंगे। भाई इसकी बात पर विश्वास मत करना, ये विश्वास दिलाकर धोखा देता है। भैया आपको हमारे साथ होना चाहिए। ए, विश्वास दिलाकर धोखा देगा हूँ। हमारे साथ, मेरे साथ, भाई। हमारे साथ, हमारे साथ। हम इनके साथ, उनके साथ, किसी के साथ नहीं होंगे। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। हाँ
सही में वो राजनीति वाले हमें इस्तेमाल करके कुर्सी मिलने पर गेट के बाहर इंतजार करने को कहते हैं। अगर उनसे पूछो तो पुलिस को बुलाकर एनकाउंटर करवा देते हैं। हमारे पास पैसा होने के बावजूद हम खुलेआम घूम नहीं सकते हैं। हमें कोई बंदिश नहीं चाहिए, हम आजाद रहना चाहते हैं। गली के पिक पॉकेट से लेकर स्टेट के सबसे बड़े राउडी तक सबको यहाँ पे बुला लीजिए। हम यहाँ पे एक मीटिंग करते हैं। अगर हम सब लोग एक साथ हैं तो पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकता और पॉलिटिकल नेता भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सेंटर की तरह स्टेट भी हम लोग डिवाइड कर लेंगे। अरे वाह वाह, क्या जबरदस्त आइडिया है भैया। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह हम भी एक गुंडा प्रदेश बनाएंगे भैया। शाबाश छोटे, परंपरा गुंडागर्दी चलाने वाली बात तुम्हारे दिमाग में आई। इस स्टेट के मिनिस्ट्री में सीएम के अंडर में रह के तुम दोनों एक होम मिनिस्टर एक फाइनेंस मिनिस्टर बनोगे और तब सब कुछ अपने हाथ में होगा। तो फिर सब लोग मिलकर हाथ मिलाओ, हम सब फिर एक साथ। ओके। राम लखन जिंदाबाद, राम लखन जिंदाबाद, राम लखन जिंदाबाद। मस्ती में सवार, मस्ती
हैंड्स अप, हिले तो गोली मार दूंगा। नमस्ते सर, नमस्ते सर। तुम्हें पकड़ने के लिए सब नाटक था हमारा, चलो पुलिस स्टेशन। सलाम भाई। नमस्ते भाई। हेलो भाई। आइए आइए भाई, कैसे हैं भाई? और सुनो, महफिल में शामिल हो जाओ। ठीक है। अरे ये पूरा हैदराबाद है क्या? ये पूरे हमारे लोग हैं क्या? ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? आगे आए तो गोली से उड़ाने वाले, एक दूसरे को चीरने वाले, एक कैसे हो गए भाई? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। ये सब कुछ हुआ राम लखन की वजह से। राम लखन कौन है वो लोग? कैसे दिखाई देते हैं? इंडिया मुर्दाबाद। तेरी वजह से आज हमारा पूरा प्लान बिगड़ गया। हमारी जान जाए परवाह नहीं, लेकिन जिहाद होना चाहिए। पाकिस्तान में जो कसम खाई थी हमने जिहाद की, तुम भूल गए हो? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा गद्दार कहके। अरे रुको, अरे जेल में रह के एक दूसरे को मार रहे भाई? अरे जेल आने का कोई डर नहीं, पाकिस्तान से 5 किलो आरडीएक्स लाए थे यहाँ पे लगाने के लिए, और इसकी बेवकूफी की वजह से आज हम दोनों पकड़े गए। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो हिंदुस्तान में 5,000 लोग मारे जाते। हाँ शाबाश, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुमने जो बम लगाया था वो पुलिस वालों को मिल गया है। तुमने जिस जगह पर नहीं सोचा था उसी जगह ब्लास्ट होगा। पुलिस पागलों की तरह चर्च में, हिंदुओं के मंदिरों में, हर जगह बम तलाशने का कार्य कर रही है। मगर मस्जिद में 1 घंटे में मस्जिद में बम का धमाका जरूर होगा। हाँ मस्जिद में तो मुसलमान भाई लोग रहते हैं। अरे भाई हिंदू क्या और मुस्लिम क्या, लेकिन है तो इंडियन, इंडियन। अगर वो लोग मरेंगे तो हिंदुओं को जाकर मारेंगे, और वो लोग आकर इन लोगों को मारेंगे, और पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। तभी तभी हमारा पाकिस्तान इंडिया को मात दे जाएगा। हाँ कौन हो तुम लोग? पुलिस ऑफिसर राम लखन। तुम्हारे पाकिस्तान के लाखों कुत्ते भी हमारे इंडिया के बॉर्डर को छू नहीं सकते। वालेकुम सलाम। हम सब अल्लाह ताला के बंदे हैं, इस्लाम के लिए हम सब लड़ेंगे, चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, हम लड़ेंगे। हम कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। Thank you.
Hey, अब बताइए ये आपका आदमी है? पाकिस्तान से 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर जात पात और धर्म के नाम पर तुम्हारे ही लोगों की जान लेने ये यहाँ पर आया था? पूछो इससे। पाकिस्तान हमारी कमजोरी का फायदा उठाने यहाँ पे धर्म के नाम पर लोगों को भेजकर हम में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। हम हिंदू और मुसलमान अगर साथ में मिलकर हिंदुस्तान के लिए नारा लगाए कि हिंदुस्तान की जय, तब पाकिस्तान को समझ में आएगा और इनका होश ठिकाने आएगा। तब समझेंगे इस तरह के लोग। आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, जब तक हम ये सोचेंगे और सब साथ में एक नहीं होंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। ए, अच्छे से पहुंच। ये क्या इतनी जल्दी आ गए आप? अरे उठते उठते लेट हो गया। तेरी जिंदगी पे शर्म नहीं आती? ये जगह तेरे बाप की है क्या? 10 बजे नहीं के हिलते हुए चले आए, मैं तुम्हारे फूलमाला से स्वागत करूंगी? अरे वो तो तुम रोड पे मारे मारे फिर रहे थे, वो तो राम लखन के कहने पर मैंने हाथ जोड़ के तुम्हें यहाँ नौकरी पे लगा दी। तू तो ऐसे कह रही है जैसे मुझे कोई कलेक्टर की नौकरी दे दी हो। ये मैं आराम की नौकरी नहीं करूंगा, हट। नहीं करेगा? नहीं करूंगा। तो क्या करेगा? हाँ वो गालिया है, वो मुझे बोलता है, और भाई जो है मुझे चप्पल चलाने को बोलती है, और वो मुझे सिगरेट लाने को बोलता है। ये काम अपन के बस का नहीं है। तो फिर क्या करेगा? रोड की सफाई करता फिरेगा? हाँ ए, तू बर्तन साफ करने वाली है तो क्या मैं झाड़ू साफ करूँ? तू मेरा इंतजार करेगी? ए, मेरी माँ के बारे में एक भी गलत बोला ना तो आगे पीछे कुछ ना देके तेरे को काट डालूंगी। हाँ मुझे काट डालेगी? मुझे काट डालेगी? काट 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 मुझे। आज से तू और मैं अलग है, आज ही मैं तुझे तलाक दे दूंगा। हाँ मुझे तलाक देने के बाद तू घास खाता बैठेगा क्या? मुझे जैसे पता नहीं तू क्या करेगा। हाँ देख, तेरे सारे पैसे मैं लौटा के जाऊंगी, तेरे मुंह पे मार के जाऊंगी मैं। हाँ चल 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 चल। हाँ चल, क्या झगड़ा लगा रखा है? राम लखन सर आ रहे हैं। अरे नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। क्या यदमा पहले की तरह झगड़ रहे हैं या क्या साथ में रह रहे हैं? नहीं साहब, हम लोग अभी झगड़ते नहीं, साथ में रहते हैं। सही टाइम पे ड्यूटी पे आ रहे हैं ना? हाँ सर। चलते हैं। होम मिनिस्टर साहब इस बार इस बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, इस बार आपके कोऑपरेशन की हमें बहुत जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यंग मैन। सर इनसे मिली, बहुत ही डेयरिंग और डैशिंग ऑफिसर्स राम और लखन। वेल डन माय बॉय, हाउ आर यू? फाइन सर। पहले भी आप दोनों के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ, लेकिन आज पहली बार मिला हूँ। ये हैदराबाद के कमिश्नर मिस्टर बीवी रेड्डी हैं, ये आप लोगों के लिए आए हैं। हमारे लिए आए हैं? यस। मामला क्या है? हैदराबाद में बढ़ती हुई आबादी की तरह माफियागिरी भी बढ़ रही है। क्राइम रिपोर्ट जितना कम करने की कोशिश करता हूँ उतना बढ़ती ही जा रही है। हर 5 घंटे में एक मर्डर, हर 3 घंटे में एक रेप, प्रत्येक घंटे में कब्जा। हमारा ही एक ऑफिसर ये सब नजरअंदाज करते हुए वहाँ पर ड्यूटी कर रहा है, और एक ही हफ्ते में पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से ये केस आप दोनों को देना चाहता हूँ। देखिए, आप पर भरोसा है इसीलिए कमिश्नर साहब ये केस आप दोनों को दे रहे हैं। आप लोग ऐसे कई केसेस सॉल्व किए हैं, इसलिए उम्मीद है कि ये बार भी आप ही लोग जीतेंगे। मुझे पूरा यकीन और भरोसा है आप दोनों पर, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये केस हाथ में लें। ओके सर। थैंक यू मिस्टर राम लखन। इस फाइल में हैदराबाद के सभी गुंडों की डिटेल्स हैं। चाहे कौन सी भी फोर्स या औजार की जरूरत पड़े वो सब तुम्हें उपलब्ध किए जाएंगे। प्लीज टेक केयर। हमें कुछ नहीं चाहिए सर, सिर्फ ये दोनों चाहिए। ये दोनों? ऐसा क्यों? हमारे माता पिता बनने का नाटक करने के लिए। हम? मैं? हाँ सर, जिस एरिया में गुंडागर्दी ज्यादा है उस एरिया में रहने के लिए हमें घर चाहिए, और जब तक हम किसी को ना बताएं इस डिपार्टमेंट को पता नहीं चलना चाहिए, सिर्फ आपके अलावा। ओके, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। राम लखन। आई एम सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था। इट्स ओके सर, अब जो होने जा रहा है उसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। शहर के सारे गुंडों को एक साथ पकड़ना होगा, और जब तक हम ना कहे कोई हमारे साथ फॉलो अप नहीं करेगा बस। ओके ओके, ऑल द बेस्ट राम एंड लखन। मिस्टर चंद्रशेखर, किसी को भी इनका पीछा नहीं करना चाहिए, इनके काम में कोई इंटरफेयर ना करे इसका ख्याल रखें।
क्या हुआ माँ? क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ माँ? पिताजी तुम्हें क्या हुआ माँ? बेटा राम, पिताजी राम लखन कहीं भागने ना पाए। ए हरामियों, राम लखन को बाहर निकालो। ए कौन है रे तुम लोग जो इस तरह मेरे बेटे को पुकार रहे हो? इतना हिम्मत तुम लोगों में? ए मैं कौन हूँ पूछ रही है? तेरे जैसी नीच औरत। ए तेरी तो, ए कॉफी हाउस के कप धोने वाले कुत्ते की औलाद। ए हम लोग कप धोने वाले हो या गटर साफ करने वाले हो, लेकिन तुम जैसे गुंडों को मारने के लिए राम लखन हम लोगों को यहाँ पर लेकर आया है। हाँ ए, तू अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता ना? तुझे तो मैं ही देख लूंगा। हमारी बस्ती में सवाल करता आ जा। कुछ बोलो। नमस्ते साहब, हमने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई ना साहब। तो शेर जो है तो कोई भी गुंडा नहीं बचना चाहिए। हम दोनों को कोई कोई बच्चा नहीं था ना, तो जब से तुम लोगों ने हम दोनों को माँ बाप का नाटक करने के लिए कहा, उसी दिन से हम लोग बहुत बहुत खुश कि अब राम और लखन के माता पिता है। साहब जी, आखिरी बार माँ बोला, माँ कहकर बुलाओ ना साहब जी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। माँ नहीं, माँ बेटा, ये जितने गुंडे लोग हैं ना, सबको चुन कर मार के उनके टुकड़े कर देना, ताकि इस समाज में कोई भी इन तलवारों की कसम खाओ, इतने सारे गुंडों को धोखे में रखा वो राम लखन। वो राम लखन किधर भी नजर आए उन्हें काट डालो। इस दुनिया में उन दोनों को जीने का कोई हक नहीं है। उन दोनों ने गुंडे लोगों के साथ धोखेबाजी की है। गुंडा क्या होता है उन्हें पता नहीं। चलो भैया, चलो भैया। तुम लोग हमारी तलाश में निकल रहे हो, हम खुद तुम्हारी तलाश में आ गए। अगर हमें मारकर असली गुंडा बनना चाहते हो और ये चाबी से दरवाजा खोलकर जाना चाहते हो, तो तुम्हें मारकर हम असली पुलिस वाला हैं ये साबित कर देंगे। Hey!
अपनी वर्दी उतार रहे हो, वर्दी फट गई तो वहाँ सस्पेंड होना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे पाकिस्तानी कुत्तों का साया भी इस वर्दी पर ना पड़े इसलिए उतार दिया मैंने। चलो आ जाओ। यही हम गुंडे लोगों का साम्राज्य है और ये गुंडा राज का चेयरमैन मैं ही हूँ। चलो रे। उठो रामलखन, उठो, इन गुंडों को मार डालो, इनके टुकड़े टुकड़े कर डालो। उठो उठो उठो। Oh!
Well done, my boss. You're done your job. तुम दोनों ने जो उठाना था आखिर वो पा ही लिया. असंभव को संभव कर दिया. हमारे डिपार्टमेंट के लिए गर्व की बात है.